फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने होम टूर कराया अपने घर का। तो ये वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक करना आप। और अभी जो है हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं, तो हस्बैंड कह रहे हैं चाय बनाओ, तो चाय बनाऊंगी और फिर जाके थोड़ा सा घूमने जाऊंगी, तो साथ आपको भी लेके चलूंगी। गाइस, ब्लॉग पे बने रहना। और अभी आप चाय पियोगे? बिल्कुल पीऊंगा चाय, क्यों नहीं पीऊंगा। चाय तो पियेंगे पियेंगे। चाय के लिए कभी गाइस मना नहीं करते हस्बैंड जी। पियेंगे पियेंगे ना रियल। आप धोती होगी? मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में? साड़ी में कैसी लग रही हूँ? अच्छा लग रही हूँ। बाप बेटा दोनों ही कह रहे हैं अच्छी लग रही हूँ गाइस मैं। चलो गाइस, चाय बनाई देती हूँ। लेकिन चाय बनाने में मुझे गाइस थोड़ा सा आलस तो आता है। अब क्या करें, हस्बैंड जी को चाय बहुत पसंद है। शाम का वेदर देखिए, बहुत ही बढ़िया है। ये वेदर देख के लग रहा है रात को बहुत तेज बारिश होगी। पीछे के साइड देखिए गाइस, पॉपुलर का खेत है और इधर एक प्लॉट भी खाली है, अभी तक घर नहीं बना है यहाँ पे। और सामने जो है बहुत घर है, यहाँ से दिखता नहीं है। और ये हमारे घर के साथ ही अटैच है गुरुद्वारा। तो गाइस, उधर बन रहा है चाय हस्बैंड जी के लिए, इधर मैं रियान के लिए बनाना शेक बना रही हूँ। रियान बोल रहा है मैं बनाऊंगा मम्मा। मैं बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम ही बनाना, ठीक है? मैं बनाऊंगा। हाँ बैठ जाओ, रियान बनाएगा। रियान टेस्टी है बनाना शेक, तो जल्दी पी लो। मेरा हाथ भारी है। नहीं भारी है बाबू, और नमकीन दो मुझे। और गाइस, किसे चाय के साथ नमकीन बिस्किट पसंद है? मुझे तो गाइस बहुत ज्यादा पसंद है। और हस्बैंड जी को आज ही मैंने बोला था कि ये मुझे चूरा बहुत पसंद है और लेके भी आए। थैंक यू। गाइस, आप भी ले लीजिए भगवान के आशीर्वाद। तो गाइस, पूजा दे दिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। जिस सोसाइटी पे हम लोग रहते हैं ना, उस सोसाइटी पे घूमने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए और बने रहना गाइस ब्लॉग पे। लाइट ऑफ कर देती हूँ और गेट बंद कर देती हूँ। गाइस चले आए हैं बाहर और धीरे बात करती हूँ क्योंकि रोड पे है इसलिए। हाँ अच्छा, सॉरी बोल दिया। हाँ। बढ़िया। सो गाइस, यहाँ पे ना लाइट की थोड़ी सी इशू है, मतलब लाइट कम है रोड पे, तो इसलिए आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। और रात को ही हम लोग निकले हैं घूमने के लिए। तो कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, उस टाइम मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ की सोसाइटी कैसे हैं। तो ऐसे तो अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन नहीं दिखा पा रही हूँ अंधेरे की वजह से। तो गाइस, आप अंधेरे में ही देख लीजिए। तो ये ऐसे सिंगल रोड है और ये बड़े बड़े बिल्डिंग है और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल के पेड़ भी है। तो देखिए सब इस टाइम ना, अभी 8 बजा होगा गाइस, और इस टाइम सब वॉक करने आ रहे हैं। तो वॉक कर रहे हैं सब, और यहाँ देखिए आगे आगे दौड़ रहा है। तो रात का वीडियो भी देख लीजिए आज गाइस। तो गाइस देखिए, नज़ारे देखिए रात का,
तो ये हस्बैंड जी आगे चल रहे हैं, रियान इधर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, नहीं तो पीछे तो लाइट था लेकिन लाइट की रोशनी बहुत ज़्यादा कम था गाइस। और ये देखिए हस्बैंड जी हैं। तो चलिए घर पे अब गाइस, बहुत घूम लिया हम लोगों ने। गाइस घर आने के बाद पहले साड़ी चेंज किया और उसके बाद सूट पहन लिया। साड़ी पहनने के बाद एक डर लगा रहता है कि उसमें कोई दाग वगैरह ना लग जाए, इसलिए साड़ी खोल के फिर अब डिनर बनाने आई हूँ। आज डिनर बहुत ही सिंपल रहेगा, अभी अंडा कढ़ी बनाऊंगी। तो अंडा बॉईल कर लिया है और अंडा कढ़ी बनेगा। यहाँ पे राइस देखे चढ़ा दिया है कुकर पे, तो राइस बन रहा है और आलू भुजिया बनाऊंगी, सिंपल ही खाना रहेगा। तो देखते रहिए गाइस। गाइस हमारी अंडा कढ़ी बनके रेडी है, अब जो है चावल निकाल लेते हैं। गाइस हम लोग डिनर कर रहे हैं, तो आप भी आ जाइए डिनर करने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। मॉर्निंग का ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया है, जैसे झाड़ू मारना, फिर बर्तन थोड़ा बहुत था वो धो लिया। अभी ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं बनाया क्योंकि हमारा ना कल आटा खत्म हो गया था और मैंने देखा नहीं, और आज जब किचन में गई और रोटी बनाऊंगी तभी देखा कि डब्बे में आटा ही नहीं है, और तभी याद आया। तो हस्बैंड को अभी बोला है आटा लाने के लिए, तो रियान और हस्बैंड जी गए हैं दुकान आटा लेने के लिए। अभी आ जाएंगे तो ब्रेकफास्ट भी बना लूँगी। आज जो है सब्जी मुझे बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि कल का जो है ना चिकन थोड़ा सा बचा हुआ है, वही चिकन से मैं आज सुबह के ब्रेकफास्ट में खाऊंगी और हस्बैंड को भी लंच में दे दूंगी वही। और अभी तक पोछा नहीं लगाया क्योंकि पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, इससे थोड़ा सा अच्छा भी रहता है, नहीं तो यहाँ पे वाइट कलर का टाइल्स है ना, तो पैर अगर थोड़ा सा भी गंदा रहता है ना तो छापे पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाद में पोछा लगा लूँगी। सुबह उठने के बाद गाइस मैंने एक्सरसाइज योगा किया सुबह, और थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि योगा एक्सरसाइज करने से ना हमारा शरीर जो है एक्टिव हो जाता है, फ्रेश फील भी लगता है। तो उसके बाद जाके मैं बाहर आई और देखा कि मौसम जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुहाना है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम ना पूरा साफ है। और ये मौसम देख के पता है क्या लगता है गाइस कि पूजा जो है स्टार्ट होने ही वाला है और हस्बैंड और रियान जो है चले आए हैं। तो कौन कौन गणेश चतुर्थी पूजा करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग वैसे पूजा कर लेते हैं लेकिन गणेश भगवान को जो 9 दिन के लिए लाते हैं घर पे वो नहीं करते हैं। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि शुरू से हम लोगों ने कभी किया नहीं, अचानक स्टार्ट करेंगे वो भी सही नहीं रहता है। तो हस्बैंड जी रियान चले आए हैं और देखिए गाइस हल्का हल्का धूप है, ये देखिए। हेलो कर दो फ्रेंड्स। हेलो गुड मॉर्निंग। है दीदी क्या लेके आए? कोल्डिंग। कोल्डिंग लेके आए। हाँ ये दूध वाले भैया दूध दे के गए, और हस्बैंड जी को मैंने बोला था परसों की कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो आज कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए। और ये नीचे देखिए आटा। तो अभी गाइस ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। मम्मी गाइस यहाँ पे मैंने रोटी बना लिया है और चिकन देखिए अच्छे से गर्म कर लिया है, और किचन को भी अच्छे से साफ कर लिया मैंने। अभी थोड़ी बहुत बर्तन हुआ है वो सारे धो लूँगी मैं, और इधर जो है मेरा दूध भी गर्म है। अभी भी जो है बनाना शेक बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को बनाना शेक पीना है। सो गाइस हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने आ जाइए, बनाना शेक है ये रहा, और ये रोटी और चिकन। सो गाइस हस्बैंड
हस्बैंड जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस चले गए हैं, तो मैंने सोचा अभी आपके साथ थोड़ा सा बात करके वीडियो को एंड कर लेती हूँ। तो गाइस आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी ज़रूर करना अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।